हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबकी प्रिपरेशन एकदम सॉलिड चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, KCET का एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कर्नाटका में एग्जामिनेशन होना था, कर्नाटका में जो एग्जामिनेशन होना था वो कंडक्ट कराया गया। टू डेज का एग्जामिनेशन होता है, 30 जुलाई और 31 जुलाई, यानी आज के दिन ये चल रहा होगा जब ये वीडियो पोस्ट हो रही होगी, ठीक। और 30 जुलाई का जो एग्जामिनेशन का पहला फेज था, पहला दिन था, वो कंडक्ट कराया गया। और 29 तक तो ऐसा लग रहा था, 29 तक ही शायद पोस्टपोन हो सकता है। हाईकोर्ट में अपील करी थी, केस वगैरह चल रहा था, और एट द एंड गवर्नमेंट ने, जो हाईकोर्ट ने, ये ऑर्डर दिया कि जो एग्जामिनेशन है वो ऑन टाइम SOPs वगैरह, रूल्स और रेगुलेशन के साथ कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं, कुछ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया उन्होंने कुछ फोटोज वगैरह शेयर करी है, मैं तो आप लोगों को वो दिखाता हूँ। और इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि क्या नीट भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो यार देखिए, अगर KCET का एग्जामिनेशन वो कंडक्ट करा रहे हैं ऐसे स्टेट में जहाँ पे 1 लाख प्लस केसेस हैं, 1 लाख प्लस कंफर्म्ड केसेस कर्नाटका में हैं, और अगर पूरे इंडिया की देखें तो अप्रोक्सीमेटली 16 लाख केसेस हैं, 16 लाख लोगों को कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है कोरोना वायरस से, और 1 लाख कर्नाटका कर्नाटका में है, तब भी KCET का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया। और हाईकोर्ट ने ये कहा था कि इसके लिए कुछ ना कुछ SOPs और रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाएंगे, उसके अंडर पे आप लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो फिलहाल मैं पहले आप लोगों को कुछ फोटोज वगैरह दिखाता हूँ, तो थोड़ी ग्राउंड रियलिटी आप लोगों को दिख जाएगी। ये देखिए, कोई आयुष भट्टाचार्य करके स्टूडेंट है, ठीक, जिन्होंने ये पोस्ट करा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ट्विटर पे। सोशल डिस्टेंसिंग एट इट्स बेस्ट, दिस वाज द कंडीशन ड्यूरिंग KCET के एग्जामिनेशन। ठीक है, KCET के एग्जामिनेशन हुआ अंदर, उम्मीद यही है कि अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पूरी मेंटेन की गई होगी, बट बाहर का जो सीन था, देखो एक चीज कॉमन सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि कोरोना अंदर आएगा और बाहर एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर तो होगा नहीं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए कुछ क्या कंडीशंस थी बाहर को, ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही थी। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि ये एग्जामिनेशन सेंटर की बाहर की वीडियो है जो स्टूडेंट ने पोस्ट करी है, जिसमें दिखाया है कि भाई इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, अगर ऐसे ही पेपर नीट भी कंडक्ट होता है तो कितना ड्रास्टिक इसका इम्पैक्ट रहेगा, कितने लोगों को कोरोना वायरस होने की दिक्कत हो सकती है। देखिए वहाँ पे कितने पेरेंट्स खड़े हैं जो अपने बच्चे का वेट कर रहे हैं कि वो एग्जामिनेशन दे के बाहर आएगा, और कितने सारे लोग इसमें से इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ और इमेजेस में आप लोगों को दिखाता हूँ, ये भी आप लोग देख सकते हैं। अभिषेक कुमार करके हैं कोई, जिन्होंने, गाइस दिस इज द सिचुएशन ऑफ द फर्स्ट हाफ एंड आई कैन टेल यू ऑल हाउ सफोकेटेड आई वॉज वाइल बींग इन द मैथ्स हाफ। ठीक है, आई होप यू ऑल आर सेफ एंड काइंडली मेंटेन द सोशल डिस्टेंस विद योर फैमिली फॉर द सम टाइम, स्पेशली एल्डर्स। ये देख सकते हैं आप लोग, एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर की फोटो उन्होंने शेयर करी है। ये देखिए इस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुई है। और अगर हम कोरोना केसेस की बात करें ना, कोरोना केसेस की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में अभी कोरोना के जो केसेस हैं वो कंफर्म्ड केसेस 1.58 मिलियन, यानी अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 16 लाख कंफर्म केसेस हैं। अब भाई गवर्नमेंट ने तो कह दिया रूल्स और रेगुलेशन के साथ एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, और KCET का एग्जामिनेशन करा दिया, बट कहाँ गई सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए ऑब्वियसली बात है यार, 2 लाख बच्चा बैठ रहा है, चाहे तुम कितने भी सेंटर डबल कर दो, बट कहीं ना कहीं आप लोगों ने अंदर मेंटेन कर लिया, बाहर का क्या होगा, कितने स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, और उसमें से भी कितने लोग ऐसे होंगे जिनको, जो इन्फेक्टेड होंगे, और फिर वहां से कितना बड़ा कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। अभी तो सिर्फ 2 लाख स्टूडेंट जो एक स्टेट में एग्जामिनेशन दे के आए हैं, और अभी 16 लाख स्टूडेंट जो पूरे इंडिया में एग्जामिनेशन देगा 13 सितंबर को, अगर आपका नीट का एग्जामिनेशन होता है। तो देख सकते हैं कर्नाटका में केसेस देखिए 1 लाख के पार, 1 लाख के पार, 1,13,000 कंफर्म केसेस कर्नाटका कर्नाटका में हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। महाराष्ट्र में देखें तो 4 लाख प्लस, ठीक है, 4 लाख प्लस कंफर्म कोरोना केसेस। तमिलनाडु में देखें तो 2,40,000, और उसके बाद दिल्ली में देखें कि 1,33,000, आंध्र प्रदेश में देखें तो 1,20,000। तो अगर इस हिसाब से क्या कहते हैं, कंफर्म्ड कोरोना केसेस हैं, तो अगर स्टूडेंट एग्जामिनेशन देता देने जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है, पेरेंट्स बाहर वेट करते हैं, ऑब्वियसली बात है एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर तो आप लोगों ने फैसिलिटीज बनाई नहीं होगी, पेरेंट्स को बाहर वेट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं
एक क्या कहते हैं कोरोना के फैलने का बिल्कुल खतरा है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये बात अच्छी है कि रिकवरी रेट अच्छा है, बट हम लोग रिस्क नहीं ले सकते इतना बड़ा। तो भाई मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आपको अपने एंड से फिलहाल सभी स्टूडेंट्स को प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है। रूल्स और रेगुलेशन तो बना दिया, बट इस हिसाब से रूल्स और रेगुलेशन अगर फॉलो हुए तो भगवान ही मालिक है क्या होता है। ओके, तो अभी फिलहाल ये है कि देखो केसीएट का एग्जामिनेशन आप लोगों को कंडक्ट करा दिया गया है। ओके, और ऑलमोस्ट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट कराने के गवर्नमेंट उसमें है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अब आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाइए और अपनी प्रिपरेशन को, जो आप थोड़ा डगमगा रहे थे, थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करके दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अब कुछ नहीं पता, कुछ भी कह सकते हैं। जब ये इतने उस स्टेट में जहाँ पे 1 लाख+ कंफर्म्ड केसेस है, वहाँ पे 2 लाख स्टूडेंट को एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए कह सकते हैं, तो नीट का भी अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अब थोड़ा सा सीरियस हो गए, 13 सितंबर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, कुछ भी हो सकता है। और अभी जो ये केसीएट का एग्जामिनेशन हुआ है ना, इसका जो इम्पैक्ट है वो अभी 10 से 12 दिन बाद पता चलेगा, कितना ड्रास्टिक इंक्रीमेंट आता है कोरोना के केसेस में स्टेट में, तो वो तो अभी पता चलेगा। तब देखते हैं क्या 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 रहता है, और अगर कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ा तो शायद तब पोस्टपोन्ड हो जाए, वरना फिर फिलहाल अभी तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसी मूड में है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन जो भी है, एसओपीज वगैरह जो निकाली आप लोगों को, मैंने पहले ही बताया था कि एम्स के एक्सपर्ट ने एसओपीज निकाली थी, रूल्स और रेगुलेशन निकाले थे कि आप लोगों को मास्क के साथ एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, वहाँ पे आपके सैनिटाइजर अवेलेबल होंगे। तो अब शायद इस हार्श कंडीशन में, आई डोंट नो, किसी को नहीं पता कि क्या होता है, बट अब थोड़ा सा आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब केसीएट का एग्जामिनेशन हुआ तो आप लोगों का एग्जामिनेशन कराने के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल तैयारी कर रही है, सेंटर्स वगैरह डबल कर दिए हैं। तो यही कहूँगा यार, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए 13 सितंबर के लिए, और होपफुली यही करते हैं कि यार कुछ थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइड दिखाए गवर्नमेंट और बताए कि एग्जामिनेशन का क्या करना है। तो तब तक के लिए वेट करते हैं। ओके, तो ये कुछ ग्राउंड रियलिटी थी जो आप लोगों के सामने आना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस हिसाब से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है। ओके, तो उम्मीद यही है कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स गवर्नमेंट जरूर देगी हम लोगों को कि क्या होता है एग्जामिनेशन नीट का, जो ग्रैंड लेवल पे पूरे इंडिया में होना है, 16 लाख बच्चा बैठना है उसमें। तो देखते हैं क्या रहता है। तब तक के लिए मैं बस यही कहूंगा कि आप लोग 13 सितंबर के लिए अब थोड़ा सा प्रिपेयर अच्छे से करने लग जाइए। ओके, अपने आप को शेड्यूल जो थोड़ा डगमगा के चल रहा था उसको थोड़ा सा टाइट करके अब वर्क ऑन करना शुरू कर दीजिए उस पर। ओके, उम्मीद करता हूँ अब फिलहाल देखेंगे क्या रिस्पॉन्स रहता है, इसके बाद क्या चीज़ें आती हैं 8 से 10 दिन बाद, तब मैं आप लोगों को वो भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों को ये रियलिटी पता चले कि किस हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हुई है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप लोगों को पसंद आई है, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।